जो मेरे खिलाफ हेट फैला रहा था ना कि बाहर नहीं निकल रहा है, एल्विस का क्या हो जाएगा क्या नहीं है सब। सो कैसे हो भाई और उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है। सो बात करते हैं, क्या एल्विस यादव ने MC स्टैन का हाईएस्ट लाइव वॉचिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया? साथ ही एल्विस यादव ने खुलासा किया कि वो फुकरा इंसान से मिलने क्यों नहीं गए। सो एज यू नो, MC स्टैन जब बिग बॉस के घर से बाहर आके अपने इंस्टाग्राम पर लाइव किए थे, तब उनकी हाईएस्ट लाइव वॉचिंग 5,41,000 की रिकॉर्ड की गई थी। तो वो रिकॉर्ड एल्विस यादव ने अब ब्रेक कर दिया है। सो आज एल्विस यादव अपने इंस्टाग्राम पर सिर्फ 11 मिनट के लिए लाइव किए थे। सो वहाँ 2 मिनट के अंदर ही उनकी हाईएस्ट वॉचिंग 5,94,000 तक रिकॉर्ड की गई। सो इसी के साथ एल्विस यादव सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट लाइव वॉचिंग में इंडिया में नंबर 1 पर आ गए हैं और वर्ल्ड की लेटेस्ट टॉप 10 लिस्ट में 10th नंबर पर शामिल हो गए हैं। सो लाइव के दौरान बेबिका ध्रुव एंड फलक नाज ने भी कॉमेंट किया, बेबिका कहीं हाय हनी और फलक नाज कहीं गुड्डा। साथ ही रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद रियल हिट कहे सिस्टम पार दिया भाई ने, और आशीष चंचलानी भी अप्रिशिएट करते हुए कहे वाह वाह। सो बेसिकली आज की लाइव स्ट्रीम में एल्विस यादव ने ज्यादा कुछ बातें नहीं की, जो भी की वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विस यादव कल के इवेंट के बारे में बताए और बताए कि इवेंट बिल्कुल फ्री है। साथ ही वो क्या कहे आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ, तो हमारे जो हरियाणा के CM साहब है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी आ रहे हैं मुझे सम्मानित करने, तो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन होंगी, सारी चीजें होंगी। साथ ही वो अपने फैंस को एक चीज ना करने को कहे, वो क्या था आप खुद ही देख लीजिए। ज्यादा गाड़ी मत लेके आना यार, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं लगाना हमने और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करनी रोड पे। और एक पार्किंग है जो कि है कोर्ट वाली, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे गुड़गांव का, वहीं पे ही है पास में ही। और प्लीज वो सब नहीं करना, ज्यादा रैली वगैरह प्लीज अवॉइड करना। तो आपको पता ही है एल्विस यादव को हेट मिल रहा था, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद फुकरा इंसान की तबीयत खराब थी और एल्विस यादव तब उनसे मिलने नहीं जा पाए। सो इस पे एल्विस यादव इनडायरेक्टली बताते हुए कहे कि जो उन्हें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर थ्रेट्स आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, बेसिकली इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस टाइम उनका जाना पॉसिबल नहीं था। सो वो इस पे क्या कहे आप खुद ही सुन लीजिए। कल बहुत सारी चीजें चल रही थी ऑनलाइन, वो मैं बोलूंगा नहीं, उसका जिक्र नहीं करूंगा, पर तुम्हें समझ आ गई होगी। जो मेरे खिलाफ हेट फैला रहा था कि बाहर नहीं निकल रहा है, उसके पास मिलने नहीं जा रहा है, नहीं कर भाई, रीजन थे मेरे, रीजन जो कि अब तुम्हें पता भी लगे, ट्विटर पे चल भी रहे थे कि क्या रीजन थे वो, कि एल्विस का क्या हो जाएगा क्या नहीं है सब। साथ ही गाइस काफी लोग एल्विस यादव से नाराज थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था। वो क्यों नाराज थे? क्योंकि एल्विस यादव ना ही उनका फोन उठा रहे थे, ना ही उन्हें रिप्लाई दे रहे थे। सो इसी पे एल्विस यादव बताते हुए कहे कि उनका व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम क्रैश हो चुका है, और वो क्या कहे आप खुद ही सुन लीजिए। भाई मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे कॉल्स, तुम आके मेरा फोन उठा के देखोगे ना, तुम्हें पता लगेगी कि ये क्या हो रहा है। फोन का सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम ही हैंग हो गया फोन का। तो तुम खुद कह दो कि एल्विस भाई यार तुम ना रेस्ट करो तुम रेस्ट करो, तुम रिप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा ही नहीं, मतलब। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस कल से न्यूज़मैन पर दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे तक वीडियो आया करेगी, तो याद से चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।